नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और वीडियो में। आज की जो वीडियो यहाँ पे क्रैश गेम की रहने वाली है, जिसको एविएटर गेम भी बोल सकते हैं आप। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे को जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे इस डिब्बे में टच कर दिया जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, पहले चिप सेलेक्ट की, इसको बीच में सेलेक्ट कर दिया, जैसे टाइम खत्म होएगा तो रॉकेट उड़ना स्टार्ट होएगा। आपको जो है रॉकेट का जो है आइडिया लगाने की, आपको लॉन्च करके 2 से 4 सेकंड या 6 सेकंड के बीच आपको इसको क्लेम करने की कोशिश नहीं, चाहिए दोस्तों 10 गुना जाए चाहे 15 गुना, आपको बिल्कुल इसमें लॉन्च नहीं करना। अगर आप बिना लॉन्च के साथ खेलोगे तो आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे डेली जो है बना सके। अभी देखिए यहाँ पे मैंने जो है बीच में 3K जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो अभी फिर से दोबारा रॉकेट जो है उड़ना स्टार्ट होएगा। टाइम खत्म हुआ है, स्टार्ट देखिए स्टार्टिंग का टाइम खत्म हो चुका है। मैंने आपको पहले आपको 2 से 4 सेकंड का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वेट करना है। अभी देखिए 800 का अगेन हमारा प्रॉफिट है, दोनों टर्न में हमारा 900-800 प्रॉफिट है। अगर मैं दोस्तों लॉन्च करता मैं सोचता कि 2 गुना जाएगा, 3 गुना जाएगा, ठीक है, ऐसे में क्या है जो लॉस के चांस भी बढ़ जाते हैं, और जो है जो हाई रिस्क के साथ तो आपको पता है लॉस यहाँ पर होता ही है। अभी देखिए स्टार्टिंग आया है, तो स्टार्टिंग में देखते हैं इन्वेस्टमेंट फिर से दोबारा 2 से 4 सेकंड बोला, तो यहाँ पर आप जो है देखिए 900 का अगेन प्रॉफिट है, ठीक है। तो 3 टर्न का गेम प्ले लगभग 2700 हमारे यहाँ पे प्रॉफिट बन चुका है। मैंने आपको पहले बोला कि चाहे 2 गुना चाहे 4 गुना चाहे 20 गुना जाए, आपको उसकी जो है बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आपको भी अपना इन्वेस्टमेंट कर उसकी जो है आपको होनी चाहिए कि आपको कब जो है कैश आउट करना है। क्रैश होने से पहले कैश आउट करोगे तो प्रॉफिट में जाओगे, अगर दोस्तों क्रैश होगा जो भी इन्वेस्टमेंट 0, ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रख के चलना है। हर टर्न में आप जो है इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हो इसमें, तो कभी ज़्यादा भी कम, इसमें बिल्कुल भी जो है बिना लालच के खेलोगे तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो 1.10 या 1.20 पर ये क्रैश हो जाए, ठीक है। देखिए 1.20-1.30 पर मैं ईजिली जो है 1K यहाँ पे जो है कवर कर रहा हूँ, और जैसे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा था, अगर चाहे 1.30 पर जाके भी क्रैश हो जाता, लेकिन मैंने उससे पहले ही जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो पहले ही उसको जो है कैश आउट कर लिया, 1K का जो है इजली प्रॉफिट मैंने टेक आउट कर लिया। अपडेटेड बैलेंस देख सकते हैं लगभग 3770 का हमारे यहाँ पर प्रॉफिट ओवरऑल हो चुका है। 5K बैलेंस मैंने यहाँ पर ऐड किया था, और अभी ओवरऑल जो है 3.7K जो है प्रॉफिट बना चुके हैं। लास्ट 2 टर्न ने जो है अच्छा यहाँ पे मूवमेंट दिया है, रॉकेट ने पिछली बार 5.20 पर, इस बार जो है 9.08 पर जाके जो है क्रैश हुआ है। मेरे को कोई मतलब नहीं है चाहे 20 गुना चला जाता, ठीक है, हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था। अभी देखिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, और जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो लगभग 2 से 4 सेकंड जैसे ही अप्लाई करेगा इसको जो हम कैश आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 2 सेकंड हो गए, 4 सेकंड हो गए हमने किया कैश आउट, और यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा टारगेट था जो 5K से 10K का, वो ईजिली यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है सिर्फ 3 मिनट के अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट भी इस बार ज़्यादा रखा था, रिस्क लिया था, लेकिन मेरे को यह पता था कि जो लास्ट है 9 गुना जाके आया, तो 9 गुना के बाद जो है लगभग 2 गुना तो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 गुना देख सकते हैं आप रिकॉर्ड में, 15 गुना गया उसका।